नमस्कार, आप देख रहे हैं J9 न्यूज। मैं हूं सुनील कुमार। देश का सबसे बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। वर्षों से चला आ रहा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर दिया गया बड़ा फैसला। इस फैसला से दोनों समुदाय का मद्देनजर रखते हुए विवादित भूमि को रामलला को दिया गया और अयोध्या में ही मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ जमीन दिया जाएगा। इस फैसले से संतुष्ट नहीं है जफर याब जिलानी। 1045 पेज का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट दिया है। इस फैसला से दोनों समुदाय को अमन शांति बनाए रखें। भारत का ऐतिहासिक जो फैसला था, जो विवादित राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का बड़ी दिन बाद आज बड़ी फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। हमारे साथ बने हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई भूपेंद्र प्रताप सिंह हमारे लाइन पे हैं। हम जानना चाहेंगे भूपेंद्र भाई, ये बताइए आज जो ऐतिहासिक धरोहर का जो विवादित जो फैसला आया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देव भाई, जो ये फैसला आज हमारे हिंदुस्तान में राम मंदिर को लेकर आया है, ये बहुत एक ऐतिहासिक फैसला है जो पिछले सैकड़ों साल से विवादित चल रहा था। और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपसी भाईचारे को देखते हुए राम मंदिर को निर्माण को लेकर जो विवादित स्थल पर राम मंदिर और मस्जिद के लिए भी जब जमीन का प्रबंध अलग से कराया गया है, इसके लिए देश में जो हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा है बरकरार रहेगा और देश में आपसी मेल भाव बना रहेगा। ये एकता और अखंडता का परिचय जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा भूपेंद्र भाई, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अजंता मंडल ब्यूरो चीफ दिनेश वर्मा जुड़े हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि क्या स्थिति आपका वहाँ बने हुए, जरा खुलासा करिए, हमें बताइए, पब्लिक जानना चाहता है। देव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बहुप्रतीक्षित कई दशकों से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसका निर्णय आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई अमन चैन की व्यवस्था मौजूद है, यहाँ पर कोई विवाद नहीं है। सभी लोग जो है शहर दिल से जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई बंधु जो है आपस में मिलजुल करके इसका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अमन चैन कायम है। मैं दिनेश वर्मा कैमरा मैन विकास यादव के साथ बाराबंकी। अच्छा दिनेश जी, हमारे साथ अयोध्या से अनिल कुमार यादव जी हमारे साथ अभी लाइन पे हैं। हम अनिल जी से ये जानना चाहेंगे, अनिल जी ये जानना चाहेंगे, जो वर्षों पुराना भारत का एक विवादित जो फैसला जो आया है राम मंदिर बाबरी मस्जिद का, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आज फैसला सुनाया गया है 1045 पेज का, इस विषय में आप जरा से ये बताएंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है अयोध्या में? बिल्कुल बताएंगे, अयोध्या मामले में अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। विवादित भूमि में राम दी गई है और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से दे दी गई है। फैसले के बाद कहीं पर किसी प्रकार की विवाद की सूचना हमारे पास अभी तक नहीं है। सभी जगहों पर अच्छा ये बताएं, जो वहाँ हमेशा एक जब भी कोई घटना अगर होता है इस कोर्ट का फैसला का मामला में, लगभग एरिया में ये दिखाई देता है हिंदू मुस्लिम एक दंगा फसाद विवादित का तरीका, इस तरह से कुछ मूवमेंट आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी नहीं, हमारे यहाँ पूरी पुलिस और मिलिट्री के जवान भी हमारे तैनात हैं और पूर्ण तैयार है, चाक चौबंद पुलिस प्रशासन है, कोई भी किसी प्रकार। अनिल जी, हमारी आवाज आ रहे हैं आपको, एक्चुअली आपका आवाज कट के आ रहे, जरा ये बताइए, दर्शकों के जानना चाहता है कि अभी अयोध्या का क्या स्थिति बने हुए हैं? चौबंद है मिलिट्री हमारी पूर्णतः सभी की सुरक्षा हुई है और हमारे आपको बता दें कि हमारी टीम भी बराबर खबर अपडेट करवा रही है।
अच्छा ठीक है, हमारे साथ आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के जुर्म में अभी तक उत्तर प्रदेश में 71 लोगों को अच्छा ठीक है, आप बने रहो। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं जितेंद्र जी, और हम ये बताना चाहेंगे जितेंद्र जी से, ये जानना चाहेंगे कि महानगर मुंबई में इस ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो पुराना विवादित फैसला आज दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसका क्या प्रतिक्रिया आसपास में नजर आ रही है, जरा बताइए। सर यहाँ पे प्रशासन प्रशासन जो है हाई अलर्ट है, ऐसा कोई वो नहीं है कि जैसे 1992 में दंगा हुआ था, लेकिन ऐसा कोई नहीं माहौल है। अभी शांत पूर्ण तरीके से माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र कल्याण में, इसमें कल्याण में हूँ मैं। अच्छा, तो किसी भी तरह की विवादित इस तरह से नहीं, नहीं अभी ऐसा कोई विवादित माहौल नहीं है यहाँ पे। अच्छा। इसमें कल्याण मंदिर में एकदम शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना हुआ है। ठीक है जितेंद्र जी, हमारे साथ बने रहे जेएनआई न्यूज के साथ। हमारे साथ रायबरेली से ब्यूरो चीफ राहुल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, ये जानना चाहेंगे कि आपका रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, रायबरेली जिला में या ग्रामीण क्षेत्रों पे जो ऐतिहासिक जो फैसला आया है बाबरी मस्जिद राम मंदिर का, इस विषय में कुछ हलचल अगर है, क्या स्थिति बने हुए, जरा बताइए। जी देव जी, यहाँ पे रायबरेली में जो ये ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है, यहाँ पे सभी समुदाय लोग इस फैसले से काफी खुश हैं और यहाँ अमन बनाए हुए हैं। इस फैसले ऐतिहासिक फैसले को हेलो, हमें लगता है राहुल जी का यहाँ से कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गया है। हम बड़ी दोबारा हम राहुल जी से कोशिश करेंगे मिलने का, आप बने रहे जेएनआई न्यूज़ के साथ। हमारे साथ लखनऊ से आभास शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आभास शुक्ला जी, ये बताइए, ये जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो विवादित जो फैसला आज ऐतिहासिक फैसला आया है, इसमें क्या मूवमेंट आपका लखनऊ से बन रहा है, जरा बताइए। जैसा कि मैं लखनऊ से आभास शुक्ला, मैंने यहाँ पर जो ऐतिहासिक फैसला ठीक 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, इसमें जनता और प्रशासन ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर बहुत ही सहयोग दिया है। मैंने यहाँ पर देखा है कि सभी बाजारों में और आस पास में और प्रशासन में जैसे जूती प्रशासन की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही हर तरह पर जगह पर उन्होंने अपना शासन का पूरा कार्रवाई पूरी नजर रख रखी है, जिसमें आम जनता ने भी पूरा सहयोग किया है यहाँ पर, और जिससे लगता है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें रामलला और बाबरी मस्जिद के बीच में जो भी विवाद था उसको उन्होंने इच्छा से ग्रहण किया है और उसे सम्मान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आम जनता ने, दोनों ही वर्ग के लोगों ने बहुत ही सहयोगपूर्ण तरीके से यहाँ पर व्यवहार दिख रहा है, क्योंकि प्रशासन अभी भी लगातार अपने इस फैसले के आने के बाद भी पूरे लखनऊ में बहुत ही कड़ी नजर रखी हुई है। अपनी प्रशासन भी बहुत ही चौकन्ना है, किसी भी घटना के लिए वो तैयार है कि वो उसको रोका सजा सके, जिससे लेकिन आम जनता के बीच भी जाकर मैंने ये खुद महसूस किया है कि यहाँ की जनता ने इस फैसले को स्वीकार किया है। अच्छा ठीक है, आप बने रहिए, हम दोबारा आपसे संपर्क करते हैं। हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं राजकुमार कश्यप जी। राजकुमार कश्यप जी से हम जानना चाहेंगे इस राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है, इसका क्या प्रतिक्रिया आपका बरेली में दिखाई दे रहा है, जरा बताइए राजकुमार जी। देव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ इस समय तक अभी तक जो है चारों तरफ शांति प्रिय माहौल है और ऐसी कोई कहीं पे कोई बात नहीं उठ रही है जिससे कि किसी को भी उच्च न्यायालय के फैसले पर असंतोष हो। अच्छा, जैसे आए दिन ऐसे दिखाई देता है दो समुदाय का अंदर में एक विवादित घटना बार बार कभी ना कभी बनते रहता है हमेशा ही, तो इस तरह से इतना बड़ा फैसला आने के बाद में वहाँ का जो समुदाय के लोग हैं, दो समुदाय के या सभी समुदाय के लोग हैं, इनका अंदर में क्या दिखा जा रहा है, किस तरह से दिखा जा रहा है इसका मूवमेंट? कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पुलिस ने पहले ही चिन्हित कर रखा है और बाकी अभी ऐसा कोई भी यहाँ पे किसी भी जन आक्रोश में ऐसी कोई बात
और कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली। प्रशासनिक किस तरह से वहाँ मतलब तैयारी है जरा बताइए। प्रशासन चारों तरफ से जो संवेदनशील एरिए हैं उनको कवर कर रखा है, जो अति संवेदनशील एरिए हैं उनको भी कवर कर रखा है, बाकी पूरे क्षेत्र में फोर्स ने अपनी पूरी चौकसी बरती है जिससे कि कहीं कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके और ना हो। अच्छा राजकुमार जी आप बने रहिए, हम आते हैं आपके पास फिर दोबारा। हमारे साथ जयशरण जी जुड़ गया लखनऊ से। जयशरण जी ये बताइए कि आज जो ऐतिहासिक फैसला आया बाबरी मस्जिद राम मंदिर का, इसी विषय में क्या माहौल चल रहा है लखनऊ में? जी देव जी यहाँ पर जो है बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, पुलिस की मुस्तैदी चारों तरफ है, चारों तरफ पुलिस बकायदे गश्त भी कर रही है और बहुत ही शांतिप्रिय माहौल है यहाँ पर। अच्छा जैसे आए जब भी अयोध्या मामला में कभी भी विचार आना हुआ या चौधरी से भी पहले एक दो बार आए हैं जैसे विवादित चीजें सामने आता है, उस तरह से कोई घटना लखनऊ के अंदर में नहीं ऐसा तो देव जी अभी तरह पर सुनने को नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग भाईचारे से रहते हैं और भाईचारा वाला ही माहौल इस टाइम भी यहाँ पर बना हुआ है। फैसला सुबह 10:30 बजे आया, अभी तक प्रशासनिक क्या एक्शन ने या प्रतिक्रिया नजर आ रहे, किस तरह से मुस्तैद है जरा इसका विषय में बता दीजिए। दोनों ही समुदाय में फैसला आने का इंतजार था और दोनों ही समुदाय फैसला आने के बाद से खुश हैं और लोगों का ये भी कहना है कि कम से कम लड़ाई और विवादित जो एक भूमि का जो है चला आ रहा था वो सिलसिला खत्म हुआ और दोनों ही समुदायों को ये फैसला स्वीकार है। अच्छा ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आपको हम बता दें कि बरसों पुराना राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर खून खराबा कई मामला सामने आया है। आज भारत में सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया और उस कोर्ट में दोनों समुदाय को नज़र में रखते हुए राम जन्मभूमि रामलाला को मिला और मुस्लिम समुदाय को अयोध्या नगरी में 5 एकड़ जमीन दिया जाएगा। केंद्र सरकार को 3 महीना का अंदर ट्रस्ट कमेटी का गठन कर मंदिर का निर्माण करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आपको बता दें इस फैसला में भारत का सभी समुदाय के लोग इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला को बड़ी ही आत्मास के साथ में स्वागत किया और इस विषय पे भाईचारा अमन बने हुए, किसी भी तरह के प्रदेश में देश में विवाद सामने नहीं आया।